भूषण ज्वेलर्स। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस विधायकों के साथ राजस्थान के दौसा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 8 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान से होकर जारी है। इस यात्रा के दौरान एक दौर ऐसा भी आया जब राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कंधे पर हाथ रखा और उनके अगल बगल मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में चुनाव जीतने के बाद सभी 40 विधायक इस यात्रा के लिए गए और विधायकों में इस अवसर का गवाह बनने का जोश था। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा की सोच और लक्ष्य शानदार है। ये यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है। भाजपा द्वारा जो नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है उसको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस कर्मठता के साथ लगातार जनता के बीच भारी जनसैलाब के साथ यात्रा को कर रहे हैं, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए ये एक ऐसा कदम है जो जनता से जुड़कर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार का मुकाबला कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का पर्दाफाश कर रहे हैं। मुकेश ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में देवभूमि की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में पूर्ण बहुमत से लाकर जो नया विश्वास दिया है, ये देश में नई रोशनी फैलाने का काम करेगी। राहुल गांधी प्रदेश के नेतृत्व का सहारा है, सरकार बनने पर बधाई दी है और जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया है, जिस पर काम करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।